सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ओवैसी साहब आज सभागार में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक चिंता व्यक्त की कंसेंशुअल सेक्स की दृष्टि से। ओवैसी साहब आजकल हर बार बोलकर चल जाते हैं, और उन्होंने उल्लेख किया महोदय कि कैसे कंसेंट के संदर्भ में स्टैंडिंग कमिटी के सम्मुख ये विषय को रखा जाए। कंसेंट का विषय पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी के सम्मुख रखा गया था, और पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ने मना कर दिया कि 18 साल से कम उम्र का आप कंसेंट मत कीजिए। महोदय, एक हमारे सांसद ने यह भी कहा कि आईपीसी की धारा और पॉक्सो की धारा के बीच में मतभेद होता है जब चाइल्ड मैरिज की बात आती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर अपना निर्णय देते हुए कहा, रवि जी मुझसे बेहतर क्योंकि ये जो फ्रेज मैं बोलने वाली हूं, एब इनिशियो वॉइड, शुरू से ही ये सोच निष्क्रिय है। जिस सांसद महोदय ने ये कहा कि ये ना हो कि 18 साल से कम उम्र की लड़की के माथे पर सिंदूर लगा दिया, गले में मंगलसूत्र लगा दिया, उसके बाद असॉल्ट किया, अब्यूज किया, रेप किया और संरक्षण शादी का मांगा। सुप्रीम कोर्ट इस विषय पर अपना मत दे चुकी है, ये क्राइम भी है। और मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूं कि चाइल्ड मैरिज एक्ट में इसके संदर्भ में हम मंत्रालय में काम कर रहे हैं ताकि कोई अनामली इन टर्म्स ऑफ लॉ ना रहे। आज सदन में शताब्दी जी के साथ साथ कई लोगों ने उल्लेख किया कि किस प्रकार से हम बच्चा परेशान ना हो, लड़का लड़की या थर्ड जेंडर, बार बार उसे टेस्टिफाई करना पड़े, बार बार वो अपने उस ट्रॉमा को जिए। मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि सेक्शन 24 से लेकर सेक्शन 27 तक चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स क्या है, बच्चे के वक्तव्य की रिकॉर्डिंग से लेकर पूरी इन्वेस्टिगेशन तक बच्चे का संरक्षण कैसे किया जाए, उसका पूरा प्रावधान, उसका पूरा ब्यौरा है। उसमें यह भी है कि अग्रेसिव क्वेश्चनिंग ना हो, बच्चे का कैरेक्टर असैसिनेशन ना हो, और बच्चे को बार बार लाकर गवाही देने पर मजबूर ना किया जाए, ये पहले से ही प्रावधान हो चुका है। कुछ वरिष्ठ सांसदों ने यह भी चिंता व्यक्त की कि अगर बच्चा दिव्यांग हो तो दिव्यांगता की दृष्टि से क्या विशेष प्रावधान है संरक्षण का, तो ना सिर्फ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स के लिए ट्रांसलेटर स्पेशल एजुकेटर्स क्या प्रावधान है, अगर उसे कोई मेडिकल भी मदद चाहिए तो उसका भी प्रावधान इस कानून के तहत दिया जाता है, किया गया है। महोदय, हमारे वरिष्ठ नेता जेडीयू से उन्होंने एक विटनेस प्रोटेक्शन की दृष्टि से अपनी चिंता को व्यक्त किया। राजीव रंजन जी ने कहा कि कई बार विटनेस को केस की समय अवधि में ना पूरा होने की वजह से विटनेस के ऊपर बार बार प्रेशर लाया जाता है कि वो रिकेंट करे। मैं आपके माध्यम से सदन में कई सांसदों ने इस चिंता को व्यक्त किया, तो उनको बताना चाहूंगी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 की पूरी जानकारी सभी राज्यों को दे चुकी है सरकार। एक स्टैंडिंग कमेटी होगी डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज के अंतर्गत, जो इसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो अगर किसी भी विटनेस को प्रोटेक्शन की जरूरत है तो थ्रेट असेसमेंट भी देखता है, और उसके बाद अगर विटनेस की आइडेंटिटी भी चेंज करनी है उसका भी निर्णय लेने के लिए सक्षम है, विटनेस को रिलोकेट करने के लिए भी सक्षम है। और भारत सरकार ने आग्रह किया है कि सभी राज्य विटनेस प्रोटेक्शन फंड अपने यहां पर स्थापित कर लें। हमारी सांसद कांग्रेस से ज्योतिर्मणि जी, उन्होंने उल्लेख किया विशेष अगर परपेट्रेटर चाइल्ड हो तो क्या हो, उसको सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। दैट इफ द परपेट्रेटर इज अ जुवेनाइल शुड नॉट बी सेंटेंस टू डेथ। द जे जे एक्ट सर कवर्स दिस वेरी एस्पेक्ट।
इफ द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड फाइंड्स द पर्सन टू बी ऑफ अडल्ट माइंड एंड इफ द चाइल्ड इज अबव द एज ऑफ 16, ओनली देन अंडर द सुपरविजन ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड and taking into cognizance the Juvenile Justice Act, sir, a court is deemed fit to take its decision. Hence, let nobody here presume that if the perpetrator is below the age of 16, will be hanged till death. Enough precautions are available in the Act to ensure that proper justice and facilities are given even to child perpetrators. It should, however, sir, be a matter of concern for us that the number of child perpetrators in our country is increasing. Many honorable members of parliament here spoke about the data, sir, pertaining to 2016. It is my assumption, sir, and I can be corrected by the honorable members, some read out of newspaper reports, some read out of some magazine clips possibly, or from some news channel. The data the government has, sir, with regards to 2016 is this, that cases under POCSO, 36,022 were registered and 42,196 people have been arrested already. Yes, I concede, sir, that the rate of conviction in these cases is very slow, and that is a concern that is shared not only across the aisle, across the benches, but even by people within the government. I must compliment my leadership that Mohammad Bashir Saab was speaking about government departments should work together to ensure protection is given, awareness is created. It is a significant, sir, reflection of intra-ministerial cooperation to ensure protection of women and children, that under the Nirbhaya Fund, Ministry of Legislative Affairs proposed setting up of 1,023 fast-track courts in the country. This is a proposal on which the Ministry of Women and Child Development, Ministry of Home Affairs, Legislative Affairs and the Finance Ministry has already had its meetings. And I would like to inform through you, sir, the August House, that the government is committed to ensure that these 1,023 fast-track courts, wherein 75 lakhs is to be given for each court so that the administrative cost is borne, is an issue in which the government has found more than 18 states come on board to say that they will work with the government to ensure that these courts are established between 2019-20 to 2020-21, which means in one financial year, it is not only the intention of Government of India, but also states which have said that yes, resolution and justice should be done in a timely fashion. Sir, there are some questions with regards to, and Supriya ji spoke about, Chhed Chhad Mukt Bharat. Sexual harassment is covered under POCSO. I would also like to tell her, and sir, she did ask one of the questions with regards to the national database. I reminisce, sir, though you are not allowed to reminisce about activities in the other house, but when this bill came in 2012, in the Rajya Sabha as a member, I had spoken about the need for a national database, and I find that many female MPs actually had that feeling resonate in both houses of parliament. And I'm happy to report to this house, sir, that in 2018, a national database functionally became available to our police forces and investigative agencies. But what I'm unhappy to state here is that 6,20,000 sexual offenders are, as of this day, listed in that national database. 6,20,000 sexual offenders are today, sir, listed in that national database on sexual offenders. They are being tracked by investigative agencies. But as Mohammad Bashir Saab said, how do we work with even ministries like HRD? Aapke madhyam se, sir, main sadan ko avgat karana chahti hoon ki Shiksha Mantrale, INB, Ravi ji, ek aur vibhag IT ka dekhte hain,
उस विभाग से कई लोग, लॉ एंड जस्टिस से लोग, एमएचएस से प्रतिनिधि, हम सब दो दिन पहले ही बैठे थे. हाउ डू वी कन्वर्ज आवर एफर्ट्स? एमएचए हैज सर इन्फॉर्म्ड अस दैट दे विल हेल्प अस इन इंश्योरिंग दैट अ स्पेशल डैशबोर्ड इज क्रिएटेड टू फॉलो पॉक्सो केसेस इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस अक्रॉस द कंट्री सो दैट विद इन द स्पेसिफाइड टाइमलाइन इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीटेड इज समथिंग दैट द सेंटर एंड द स्टेट्स कैन वर्क टूगेदर. एचआरडी सर has informed us that through CBSE and all state boards, they will initiate good touch, bad touch interventions across all schools. They will ensure that close to 44 lakh teachers in our systems get specially trained to handle POXO cases. And today Supriya ji implored literally on the floor of this house, how can we as MPs contribute to strengthening the system. I have already written to each chief minister, sir. It is my intention to write to every member of parliament so that in the next Disha meeting at the level of your district and your constituency, you take up POXO cases with the police, with the district magistrate, so that you are seen to be a part of the solution and also involve you in all the awareness activities that we undertake. NCPCR, the National Commission for Protection of Child Rights, along with the state commissions is mandated, sir, to ensure that this particular law is implemented. So it is our intention to call for a special meeting for implementation post the blessings of this house and the blessings of the Honorable President of India to ensure that all the amendments that we bring forth are amendments in terms of implementation that we can bring on board not only the National Commission but also the State Commission. But Hasnain sahab bole the Jammu Kashmir se abhi hai nahi. Unhone chinta vyakt ki aur unka kaam raha hai. Jabki POXO Act se Jammu Kashmir mein 2012 ka POXO Act applicable nahi hai. Unhone ye chinta vyakt ki ki Juvenile Justice Board aur Child Welfare Committees ki desh mein kami hai. आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहती हूं कि वर्तमान में देश में 680 सारे डिस्ट्रिक्ट्स में चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज बने हैं जिसमें मात्र 440 इनफैक्ट 444 चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज आर वर्किंग विथ फुल स्ट्रेंथ. ऑल्सो सर आई एम थ्रू यू वुड लाइक टू इन्फॉर्म द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ हसनैन साहब दैट इन सो फार एज जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड गोज So 675 are functional across all districts in the country and 509 are functioning with full strength. It is also my intention, sir, to call for a special meeting with all states to ensure not only we enhance the capacity of these child welfare committees but also strengthen the district child protection unit and the activities of the juvenile justice board. Sir, aapne आज समय सभी को दिया है बोलने के लिए उसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूं. कुछ लोगों ने यहां पे चिंता व्यक्त की काउंसलिंग की दृष्टि से कि कितने बच्चों को हम काउंसलिंग दे पा रहे हैं. वर्तमान में सर सरकारी सिस्टम में प्रदेश सरकारों के समन्वय के साथ लास्ट काउंट पे 75,000 बच्चे पूरे देश में विविध प्रकार के इंस्टीट्यूशनल होम्स में भारत सरकार और प्रदेश सरकार के सहयोग से हैं. उनकी देखरेख का प्रावधान है. हमारा ये भी, और सुप्रिया जी ने पूछा था किन किन राज्यों से बात हो रही, मैं स्वयं जा रही हूं हर राज्य में और मुख्यमंत्रियों से बात कर रही हूं, ना सिर्फ पॉक्सो के इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बल्कि साथ ही चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस को कैसे बेहतर तरीके से चला सकते हैं, बच्चे के पोषण को लेकर महिला के स्वास्थ्य तक सारी चर्चाएं मुख्यमंत्री जी के स्तर पर हम कर रहे हैं. अब तक हमें एक भी ऐसे मुख्यमंत्री नहीं मिले जिन्होंने मदद करने से इनकार किया हो. मैं सर काउंसलिंग के नाते इतना ही कह सकती हूं कि हम हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, सोशल वेलफेयर बोर्ड के साथ एंड एजेंसीज लाइक निमहांस उनके साथ बात कर रहे हैं ताकि सर हम एक अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ काउंसलर्स की लिस्ट प्रकाशित कर सकें. कई लोगों को इससे सुविधा होगी कि मेरे राज्य में, मेरे जिले में वो अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ काउंसलर्स कौन है.
लेकिन चूंकि उसमें राज्य की भी मदद की दरकार होगी इसलिए उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन मैं प्रयत्नशील हूँ या आपके माध्यम से मैं सदन को अवगत कराना चाहती हूँ। एक बार फिर अध्यक्ष महोदय, आपने जिस उदारता के साथ आज सभी सांसदों को इस पर बोलने का मौका दिया उसके लिए, और सभी सांसदों ने जो दलगत राजनीति से उठकर इस विषय पर अपनी चिंता को व्यक्त किया है उसके लिए मैं अपनी ओर से, अपने विभाग की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ।